क्या हुआ? जब रमजान के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति को याद आया अपना पुनर्जन्म और हिंदू बनकर उसने बताई अपने पिछले जन्म की कहानी और यह नजारा देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी होश उड़ गए और सनातन धर्म का ऐसा सत्य सबके सामने आया जिसे कोई झुठला नहीं पाया। आज की वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना और रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज आपका अपने सनातन धर्म पर गर्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और जितने भी सनातन विरोधी है उनके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। सर्वप्रथम समस्त राम भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव महोबा से। इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम लोगों की आबादी 50% है। सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में अपनी भागीदारी प्रदान करते हैं। ये घटना है महोबा गांव में रहने वाले साजिद कुरैशी नामक एक व्यक्ति की। इस घटना को हाल ही में उन्होंने हमारे साथ साझा किया है ताकि सनातन धर्म का चमत्कार सभी लोग अपनी आंखों से देख सके, समझ सके। साजिद ने बताया कि कुछ दिनों पहले रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, जैसे मुस्लिम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। सभी लोग पूरे माह रोजा रखते हैं और अपनी आस्था ईश्वर के प्रति व्यक्त करते हैं। साजिद अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से आसक्त थे। वह रमजान के महीने में सच्चे मन से रोज भी रखा करते थे, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कैसे रमजान में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब वे रमजान के पहले सप्ताह में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए अपने क्षेत्र की मस्जिद में गए तो अपने समस्त मुस्लिम भाइयों के साथ जुम्मे की नमाज अदा करी, लेकिन जब नमाज पढ़कर उठ रहे थे तभी उनके सर के ऊपर मस्जिद के अंदर लगा हुआ एक झूमर गिर गया, जिस वजह से वह उसी स्थान पर लहूलुहान हो गए। साजिद को उनके मुस्लिम भाइयों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। सर में 7 टांके आए और इस तरह से उनकी जान बचाई गई। सबको लग रहा था स्थितियां अब नियंत्रण में आ चुकी हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि रमजान के इस महीने में अब स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। साजिद को 2 से 3 घंटे बाद होश आया, लेकिन होश आने के बाद उसने अपने मुंह से अम्मी अब्बू खाने कहने की बजाय मम्मी और पापा कहकर अपने माता पिता को पुकारा। तभी उसके लफ्ज सभी लोगों को खटक रहे थे। जब वहां खड़े मुस्लिम भाइयों ने उसका हालचाल पूछा तो उसका जवाब सुनकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि साजिद का कहना था, आखिर तुम कौन हो और मैं आखिर यहां पर कैसे आया? मैं तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहता हूं और मेरा नाम विनय शर्मा है। उसके इस जवाब सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि धर्म से साजिद एक मुस्लिम था और अब एक हिंदू धर्म के व्यक्ति की भांति बर्ताव कर रहा था। उसके मुख पर जय श्री कृष्ण था, लेकिन साजिद तो एक मुस्लिम व्यक्ति था। ये गुत्थी किसी के समझ नहीं आ रही थी। तब तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि साजिद के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिससे हो सकता है उसे मल्टीपल डिसऑर्डर की समस्या हुई हो, जिसमें एक इंसान कई लोगों की जिंदगियां जीता है। इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोचिकित्सक को बुलाया गया, जिसने साजिद के साथ बातचीत करी, जिसमें साजिद का एक ही कहना था कि मेरा नाम साजिद कुरैशी नहीं बल्कि विनय शर्मा है। मैं अपने माता पिता और 15 साल की छोटी बहन के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहता हूँ। मुझे अपने घर का पता बखूबी मालूम है। अगर आप लोग चाहे तो मैं आप सभी को अपने घर भी ले जा सकता हूँ। साजिद के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत हैरान थे, इसलिए मनोचिकित्सक डॉक्टर का एक ही कहना था कि इसके भ्रम को दूर करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब साजिद सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखेंगे तो उसकी मन अपने आप पलट जाएगा और वह पुनः पहले की तरह हो जाएंगे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि साजिद बिल्कुल सच कह रहा था। दरअसल मस्जिद में लगी उस चोट के साथ उसे अपना पुनर्जन्म याद आ चुका था। पिछले जन्म में वह एक विनय नाम का व्यक्ति था, लेकिन सवाल उठता है, आखिर विनय की मृत्यु कैसे हुई थी? जब साजिद पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हुआ तो चौंकाने वाली बात यह थी कि वह एक एक रास्ता बिल्कुल सही बताते जा रहा था, जबकि आज से पहले वह कभी भी गोरखपुर नहीं आया था।
कुछ समय बाद वह सबको एक निश्चित स्थान पर लेकर आया। जहां पहुंचते ही उसने मम्मी पापा में आ गया ऐसी आवाज लगाई, तब अंदर से दो बुजुर्ग दंपत्ति निकल कर आए। जब साजिद ने उन्हें देखा तो अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा बेटा विनय हूं। वह भी हैरान थे क्योंकि घर के अंदर विनय की तस्वीर पर तो हार चढ़ा हुआ था। दोनों ही परिवार बहुत ज्यादा असमंजस में थे, लेकिन उसके बाद जो सच्चाई सबको पता चली उसे सुनकर आपका भी होश छोड़ जाएंगे। साजिद ने विनय के रूप में उन बुजुर्ग दंपत्ति को बचपन से लेकर के 24 वर्ष तक की उम्र के विनय के हर एक घटनाक्रम के बारे में बताया, जो कि केवल विनय और उसके माता पिता जानते थे। तो आखिर यह घटनाक्रम साजिद को कैसे पता चला? लेकिन एक बात से सब अनजान थे कि विनय का एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या हुई थी। विनय के पुनर्जन्म के साथ इस षड्यंत्र से भी पर्दा उठ गया। वह अपने कॉलेज में राजनीति में काफी अच्छा नाम कमा रहा था, जिसके बाद कुछ विरोधियों ने उसे हॉकी कुल्हाड़ी से मारकर विनय के करने के बाद लाश को हाईवे पर फेंक दिया, ताकि लोगों को यह सब एक्सीडेंट लगे और लोग आज तक इस घटना को एक्सीडेंट ही मान रहे थे। लेकिन विनय के रूप में साजिद ने उन लोगों की पहचान भी कराई जिन्होंने विनय की 24 वर्ष की उम्र में हत्या करी थी। बाद में पुलिस रिमांड में उन अपराधियों ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद विनय के माता पिता समझ चुके थे कि विनय का पुनर्जन्म हुआ है और वह साजिद के रूप में फिर से हमारे पास आया है। उस समय तक विनय की बहन की शादी भी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी काफी बड़े हो चुके थे। उनसे मिलकर भी साजिद को बड़ी खुशी हुई। अब सभी लोग पुनर्जन्म की घटना को सच मान चुके थे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही था कि साजिद एक मुस्लिम परिवार में जन्मा था, लेकिन अब वह खुद को एक हिंदू बता रहा था। तो आखिर इसका फैसला कैसे किया जाए कि वह आगे का अपना जीवन किस धर्म में बिताएगा? इसके बाद विनय ने सभी को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनने के बाद सनातन धर्म ही सत्य है, यह बात प्रमाणित हो गई। विनय ने बताया कि जब राजनीति के कारण उनकी हत्या की गई थी, तब उनकी आत्मा कई घंटों तक उसी स्थान पर विचरण कर रही थी, क्योंकि उन्हें धोखे से मारा गया था। तभी कुछ दिनों बाद आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जल्द ही वह प्रसन्न होकर तुम्हारी मुक्ति करेंगे। इसके बाद से विनय भगवान शिव की आराधना में जुट गया और एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन उसका एक उद्देश्य अधूरा था। उसके अपराधी खुले घूम रहे थे और उन अपराधियों को दंडित करने के लिए भगवान ने विनय का पुनर्जन्म साजिद के रूप में किया और एक निश्चित समय पर उसे यह भी एहसास कराया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस घटना के बाद साजिद हिंदू धर्म के प्रति आसक्त हो गया, क्योंकि वह चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका था। लेकिन जिस मां ने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था वह उसी के पास रहा, और मुस्लिम परिवार में रहते हुए भी उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को अपनाया। समय समय पर जाकर अपने पिछले जन्म के माता पिता की आर्थिक मदद भी वह किया करता था इंसानियत की। इससे बड़ी मिसाल और कहीं नहीं देखी जा सकती। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। आपकी भी ऐसी कुछ कहानी है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और रोजाना इसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।